उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर की यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी खौफनाक घटना थी जिसको सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद यह लड़का काफ़ी घबरा गया था। असल में रात 11 बजे की बात थी जहां यह शख्स बार बार बाहर से आ रही गुर्राटों को सुनकर बाहर आकर चेक करने लगता है, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद उसे कुछ नहीं दिखाई देता है और वह वापस अपने कमरे में चले जाता है। लेकिन इसी बीच शायद आपने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन उसके ठीक पीछे की तरफ एक 5 फीट का तेंदुआ सामने बड़ी सीढ़ियों के सामने बैठा हुआ था और उसको देख रहा था। लेकिन लड़के की किस्मत शायद अच्छी रही होगी जिससे तेंदुए ने कुछ नहीं किया और उस लड़के के अंदर चले जाने के बाद वह तेंदुआ भी नीचे की तरफ चल देता है। बाद में जब इस शख्स ने अपनी सीसीटीवी वीडियो देखी होगी तो इसको झटका जरूर लगा होगा। दोस्तों, दूसरी वीडियो और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है जहां उत्तराखंड के रामनगर वाले इलाके में 2-3 दोस्त रात के समय कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजर रहे थे। इन दोस्तों ने रात के समय कभी कोई बाघ नहीं देखा था और इसी को देखने की चाह में ये लोग काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं। शुरुआत में इनका सफ़र काफ़ी सामान्य रहता है, लेकिन तभी इनमें से एक दोस्त को रोड के किनारे घात लगाए हुए 1.5 फीट का बाघ दिख जाता है। ये बाघ इतनी सटीकता के साथ रोड के किनारे घात लगाए बैठा था कि किसी को भी ये दिखाई नहीं देता। भैया जिंदगी पहली बार बाघ देखा। बाघ भैया, ये गाड़ी लोग है ना भैया, गाड़ी लोग है ना, गाड़ी लोग है ना, बाघ खड़े रहना भैया बाघ। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कितनी सटीकता के साथ बाघ रोड के किनारे बैठा हुआ है। इन 3 दोस्तों की घबराहट इस बाघ को देखकर कितनी बढ़ जाती है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बाघ माय गॉड, भाई साहब जिंदगी पहली बार बाघ देखा। बाघ भैया। बाद में जब ये यहाँ से निकलते हैं तो सामने आ रही गाड़ियों को रोक कर ही कहते हैं कि सामने आपको बाघ भी मिल सकते हैं, तो इसीलिए सुरक्षा के साथ जाइएगा। दोस्तों, तीसरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। ट्रिप साइंस यूट्यूब चैनल जो कि कैंपिंग व्लॉग ज़्यादा करते हैं और उनकी ज़्यादातर व्लॉग्स जंगलों में ही होते हैं, लेकिन एक कैंप उनका काफ़ी यादगार रहा क्योंकि रात के समय दोनों दोस्तों की कैंपिंग भले ही अच्छी जरूर होती है, लेकिन सुबह के समय जब लोकेश अपने टेंट से बाहर निकलकर जाने की तैयारी करते हैं तो उसे अपने टेंट से जस्ट 150 मीटर पीछे झाड़ियों में से कुछ हरकत देखने को मिलती है। और थोड़ी ही देर में जैसे ही लोकेश आगे की तरफ जाकर देखता है तो एक भारी भरकम तेंदुआ उन्हीं झाड़ियों के पीछे से भाग रहा होता है। लोकेश का कहना था कि जिस रात वे कैंपिंग कर रहे थे तो एक तेंदुआ काफ़ी देर से गुर्राट कर रहा था और आज सुबह उन्होंने उसी तेंदुए को सामने देख लिया। गनीमत रही कि उस तेंदुए ने पलटवार नहीं किया क्योंकि एक अकेला तेंदुआ आराम से 4-5 लोगों पर भारी पड़ सकता है, तो ये तो सिर्फ 2 ही लोग थे, वो भी बिना किसी वेपन के। दोस्तों, पहाड़ों में ट्रैकिंग करना या कैंपिंग करना ये अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप पहाड़ों का रुख करें तो जहाँ बाघ तेंदुए और भालुओं का डर रहता है तो कृपया करके वहाँ ना ही जाएं तो बेहतर है। उत्तराखंड के ये 3 इंसिडेंट अगर आपको पसंद आए हों तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और यदि आपको भालुओं के भी इंसिडेंट देखने हैं तो कृपया कर पे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।